हैप्पी हाउस यू नेवर इन माय लाइफ इस बारे पर। आज मेरे सिस्टर मिस्टर फलाना जी ने गाइस मेरे साथ एक बहुत ही यूनिक गेम खेली है। उसने मेरी इन्वेंटरी में गाइस कुछ रैंडम चीजें रखी हुई है एंड उसने मुझे बोला है कि मेरे को एक पर्टिकुलर चीज यहाँ पर आज बिल्ड करनी है। मुझे नहीं पता वो कैसे बिल्ड होने वाली है, बट मुझे गाइस कुछ भी करके फिगर आउट करना है इन्हीं आइटम्स का इस्तेमाल करके। एंड मुझे बनाना है गाइस एक स्विंग, जो पार्क में लगी होती है ना, वो स्विंग ऐसे ऐसे करके आगे पीछे झूलती रहती है। मैं चाहूँ तो मैं क्रिएटिव का इस्तेमाल करके और चीजें भी निकाल सकता हूँ, बट मेनली मुझे इन्हीं इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना जो उसने मेरी इन्वेंटरी पर रखा हुआ है। एंड एक झूला बनाना मैंने भाई, एंड गाइस अगर मैं इसके यहाँ पर फिगर आउट कर पाया आधे घंटे के अंदर तो वो मुझे पूरे 10,000 रुपए देने वाला है। एंड अगर मैं नहीं कर पाया तो मुझे उसको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो भाई ये बहुत ही फन एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चैलेंज है गाइस, और मैं हूं गाइस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड इसके लिए। तो सबसे पहले तो भाई मैं यहाँ पर इस पानी को यूं डालने वाला था कि ये फालतू के ग्रास ग्रूस हट जाए। और गाइस तो सबसे पहले तो उसने मुझे यहाँ पर एक रैबिट का स्पॉन एग दिया हुआ है। अब अगर मेरे को झूला बनाना तो मुझे रैबिट का क्या काम है, आई हैव नो आइडिया अभी फिलहाल को। स्ट्राइडर दिया हुआ है, अब देखो स्ट्राइडर के साथ गाइस मुझे यहाँ पर दिख रही सैडल। एक चीज तो मुझे पता है कि सैडल को मैं स्ट्राइडर के ऊपर लगा सकता हूँ। एंड जो हमारा झूले का गाइस जो हमारा बैठने वाला बेस होने वाला है वो तो स्ट्राइडर विद सैडल ही होने वाला है, ये मुझे पता चल चुका है। ओक फेंस का भी आई गेस मुझे काम पता है, शायद से ओक फेंस को हमें इस तरीके से इस्तेमाल करना है, समथिंग लाइक दिस। एंड यहाँ से मैं इसको ऊपर कर दूंगा एंड यू करके गाइस हमारा ये बेस तैयार हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको ना एक ब्लॉक और हाइट बढ़ा देता हूँ इसकी, एंड हमारा गाइस बेस यहाँ पर तैयार हो चुका है। सी लीड का काम भी मुझे पता है गाइस, जो हमारे स्विंग की साइड की जो वो दो तारे होती है ना मेन, जिसके ऊपर हम लोग हाथ लगा के यूं झूलते हैं स्विंग मार के, वो बन सकता है। एंड उसके लिए आई गेस हम लोगों को लीड का काम हो सकता है, बट लीड को मैं यहाँ पर बांधूंगा कैसे नीचे, मुझे ये फिगर आउट करना पड़ेगा सबसे पहले। और इसके अलावा हमें दिए पावर्ड रेल, कारपेट दिया हुआ है। देखो ग्रीन कारपेट का काम भी आई गेस मुझे पता है, ग्रीन कार्पेट आएगा हम लोगों को यहाँ के लिए दिया होगा जमीन के लिए, ताकि हम लोग छुपा सके। ओके मैं अभी तक यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा भाई, ये रैबिट का क्या काम हो सकता है, एक स्विंग के लिए रैबिट का क्या काम हो सकता है। ओके मैं ऐसा करता हूँ भाई, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहूंगा। मैं सबसे पहले एक स्ट्राइडर को नीचे निकाल देता हूँ आई गेस, अगर मैं उसको यहाँ पे छेद के अंदर डालूंगा एंड इसके ऊपर मैं ओके ये तो बाहर निकल के भाग जाएगा ऐसे करके। सर जी आपका भागना इज नॉट अलाउड। और इसको मैंने गाइस एक ब्लॉक और चौड़ा कर दिया, ताकि ये वाला जो हमारा सेंटर का छेद होगा ना, ये यहाँ पर गाइस हमारा बिल्कुल सेंटर में आ जाए, दो ब्लॉक इधर दो ब्लॉक उधर। ओके अब देखो गाइस, अगर मेरे को यहाँ पे झूला बनाना है एंड हम लोगों को यहाँ पर कारपेट दिया है, दिस मीन्स हम लोगों को यहाँ पे छेद तो करना ही करना है। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, रुको जरा, क्या मैं यहाँ पर माइनकार्ट के साथ कुछ कर सकता हूँ। देखो अगर पावर्ड रेल दी हुई है तो हम लोग यहाँ पे लिटरली माइनकार्ट का इस्तेमाल भी तो कर ही सकते हैं ना। अगर मैं यहाँ पर झूले को समथिंग लाइक दिस बनाऊं, तो अगर मैं इसको यहाँ पर यू करके एक्टिवेट करूं तो मैं गाइस इस माइन कार्ट को लगाकर इसके ऊपर भी बैठ सकता हूँ। अगर देखा जाए तो ये भी हमारा स्विंग की तरह काम कर सकता है। सी ऐसे करके देन ऐसे आगे जाना, देन ऐसे पीछे जाना, थोड़ा थोड़ा स्विंग लग रहा है लेकिन ये उतना परफेक्टली काम नहीं कर रहा है। ओह आई हैव अ प्लान, वेट अ सेकंड, एक और प्लान है मेरे पास। इसको तोड़ो सबसे पहले, इसको यहाँ पे लगाते हैं स्ट्राइडर को ना, मैं अंदर रखता हूँ और यहाँ पर सैडल लगाकर इसको धक्का मारते हैं जरा गाइस, लेट्स सी कि क्या होता है। धक्का मारो इसको, ये बैठ जाएगा इसके अंदर। ओह यस यही था। ओके मैंने आई गेस फिगर आउट कर दिया यहाँ पे क्या करना है। इसको मैं एक बारी वापस लेके जाने वाला, इसके ऊपर चल बेटा अंदर चल बेटा, और इसको यहाँ पर लगा के रख देता हूँ। पर ये नहीं यहाँ पर रुक रहा है यार, ये कंटिन्यूसली बैक एंड फोर्थ जा नहीं रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पर एक ब्लॉक और नीचे के लिए लेके जाऊं समथिंग लाइक दिस, नहीं इससे भी काम नहीं होगा। अगर मैं इसको ऐसे करके करूँ और इसको तोड़ दूं तो क्या ये कंटिन्यू काम करेगा, तब भी कंटिन्यू काम नहीं करने वाला है। मैं सारे के सारे सिस्टम को तोड़ने वाला हूँ और यहाँ से मैं एक ब्लॉक और नीचे जाने वाला हूँ। ओके सी मैंने अभी एक और चीज यहाँ पे नोटिस करी है गाइस, कि अगर हम लोग गाइस पावर रेल के एंड में यहाँ पर कोई ब्लॉक लगाएंगे ना सिंपल वाला, तो जो हमारी माइंड कार्ट का जो मोशन है ना गाइस वो इन्फिनिट हो जाता है। सी यस यही तो मैं चाहता था, देखो हो गया ना काम। अब हमारी ये जो माइन काटे ऐसे ऐसे करके अरे परे जा रही है कंटिन्यूसली, मीन्स हमारे स्विंग का बेस यहाँ पर तैयार हो चुका है। अभी मेरा बहुत टाइम बचा हुआ है, अभी 10 मिनट हुए, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट अभी बचा हुआ, 10,000 रुपए लेके रहूंगा आज मुझसे। इसको मैं यूं लगा दूंगा तो क्या, अगर ये अभी तक इसे फंसा नहीं है, इसको लगाओ सबसे पहले और धक्का मारो भाई साहब को। फंस गया ओ यस, उषा पश्री मैं इसको धक्का मारेगा। यस गाइस हमारा बेस यहाँ पे तैयार हो चुका है। अगर मैं राइट क्लिक करूंगा, देखो गाइस ऐसा फील हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके कि यहाँ पर हम लोग स्विंग के ऊपर बैठे हुए हैं, बट इस मैकेनिज्म को छुपाना है बस मैंने। ओके मैं यहाँ पर इस कारपेट के साथ इस पूरे के पूरे को कैसे छुपा सकता हूँ, आई हैव नो आइडिया फिलहाल को, बिकॉज अगर मैं यहाँ पर नीचे इसको लगाता हूँ तो इसका पाथ यहाँ पे ना रुक जाएगा। सी ओके इसको मेरे को फिगर आउट करना पड़ेगा कैसे ना तैसे करके। और भाई ये बनेगा क्या काम है, मेरे को कोई समझाओ बनेगा क्या काम है यार। Much later. और अभी लिटरली यहाँ पे 6 से 7 मिनट बचे, उससे ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तुम लोगों को याद होगा मैंने लास्ट ईयर मैंने एक टिकटॉक हैक ट्राई किया था। ओके
जिसमें मैंने क्या किया था, एक बलून बनाए थे और बलून की जो मैंने स्ट्रिंग बनाई थी ना, वो मैंने बेसिकली चिकन के साथ बनाई थी। चिकन के साथ मैंने कैसे बनाई थी मैं तुम लोगों को बताता हूँ। जमीन के नीचे अगर मैं यहाँ पर इनको स्पॉन करवा दूं एंड अगर मैं गाइस लीड बांध के यहाँ से मैं ऊपर बांध दूंगा, ओके ये ऊपर आ चुका है अभी फिलहाल को, ऐसा नहीं करना है। और गाइस एक चीज मुझे पता चल चुकी है, इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा हो चुकी है, इसको नीचे करना बनता है। गाइस मेरे को पूरा यकीन है, मैंने फिगर आउट कर दिया लाइक लिटरली इन बनीज का क्या काम है यहाँ पे। ये बनीज यहाँ पर प्रिटेंड करेंगे कि हम लोगों ने जो लीड बांधी हुई है ना, ये एक्चुअली स्विंग्स है, यूं बांधेंगे। यस देखो हो गया, ओ भाई लग गया पता। यस तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है गाइस। और देखो नीचे वो बनी है ना, वो एकदम जिंदा है, ठीक है, मरा नहीं है वो अभी तक। एग्जैक्ट सेम गाइस मैं यहां पर भी करने वाला हूं, समथिंग लाइक दिस। यस अब बस फिगर आउट करना है कि इस ग्रीन कारपेट को मैं यहाँ पर कैसे लगा सकता हूँ। अभी अभी मैंने यहाँ पर इस बंदे को मारा था ना, तो मेरे को एक स्ट्रिंग मिली थी इसको मारने से, तो अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग को लगाता हूँ तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा इसके मोशन पे? नहीं, देखो देखो स्ट्रिंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस बंदे के मोशन पे। एंड आई गेस अगर हम लोग स्ट्रिंग के ऊपर यहाँ पर कारपेट को लगाते हैं, आई मीन यहाँ नहीं लगाना पड़ेगा, यहाँ तो नॉर्मली इसकी वजह से आ जाएगा, लेकिन अब अगर गाइस मैं बाकी जगहों पर इस स्ट्रिंग के ऊपर इस कारपेट को लगाऊंगा तो हवा में आ जाएगा। यस यस मैंने फिगर आउट कर दिया है। अरे भैया 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 हो गया ना, लग रहा है ना गाइस बिल्कुल एकदम ही जैसा स्विंग होता है। अभी मेरे पास लाइक लिटरली 3 मिनट बचे हुए हैं, 1 सेकंड में जाने वाला गाइस के ऊपर। ये देखो गाइस हम लोग यहाँ पे स्विंग के ऊपर बैठे हुए हैं। ये नहीं यार, बट अभी भी यार 1 सेकंड अभी भी जो हमारा स्ट्राइडर है इसका टकला दिख रहा है ना ऊपर के लिए, यार बदसूरत लग रहा है ना। इसके लिए मैं क्या करूं, ओके इसके लिए मैं ऐसा कर लेता हूँ, इनविजिबिलिटी पोशन का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ओके गाइस क्या तुम लोग तैयार हो? ले बेटा भाई तुम्हें को असली लग रहा है यार, सच्ची में इसके ऊपर बैठेंगे। यार देखो गाइस ये है हमारी स्विंग, मैंने मिस्टर फलाना जी का ये वाला चैलेंज भी गाइस जीत लिया है। और एक्चुअली गाइस असली स्विंग लग रही है ना, कितना बिग ब्रेन है मेरा। और 10,000 रुपए में घर बैठे बैठे फालतू में जीत चुका हूँ और पक्का लूंगा उससे 10,000, मजाक नहीं कर रहा हूँ। और इसी टाइप के गाइस और चैलेंजेस अभी मिस्टर फलाना जी ने मिलने रखे हुए हैं। सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, इस वीडियो का लाइक है मेरे गाइस 50,000 लाइक। और मिलता आप लोगों से ऐसी धांसू वीडियो में, तब लोग से ऑसम बाय।